हरामी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान सारे मुल्ले सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है। दोस्तों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपने जहरीले कारतूस बाहर निकालने लगती है। भाजपा इन्हें पूरे समय सुरंग में छुपा कर रखती है कि भाई इनके किसी बात से बड़े मालिक की छवि जो है वो खराब ना हो जाए, लेकिन चुनाव के समय तो बड़े मालिक खुद ही नफरत फैलाने में लग जाते हैं। तो भाई फिर भाजपा के बाकी माननीय जो है वो क्यों पीछे रहे, वो भी बहती गंगा में हाथ धो देते हैं। भाजपा के सारे ढोंगों से भी चुनाव के समय पर्दा उठ जाता है। भाजपा जो कहती है कि हम सांप्रदायिक राजनीति के एकदम खिलाफ हैं, वो ऐसे सांप्रदायिक जहरीली मशीनों को टिकट दे रही है दोस्तों कि उनके चाल और चरित्र पर सवाल उठने लगे हैं। पता चलने लगा है कि तुष्टिकरण की राजनीति ये करते हैं या विपक्ष। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले टी राजा आपको याद होंगे दोस्तों। भाजपा ने टिकट दिया, भीतर वापसी कराई और अब इसका खामियाजा भाजपा भुगत सकती है, इसलिए साहब को शय मिल गई है, खुलेआम नफरत फैलाने में लग गए हैं। टी राजा का कौन सा बयान सामने आया है इस खबर में, मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं बुलंद भारत। भाजपा चुनाव से पहले तक ये ढोंग कर रही थी कि हमने टी राजा को पार्टी से निकाल दिया है, ऐसे नफरती की पार्टी में कोई जगह नहीं है और ऐसे नफरती बाकी नेताओं की भी पार्टी में कोई जगह नहीं है। भाजपा इस बात का नाटक कर रही थी दोस्तों कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है, पूरा देश जान चुका है कितना सम्मान करती है। हम तो मानते हैं कि सर्वधर्म संभाव का भाव होना चाहिए, लेकिन जैसे ही तेलंगाना के चुनाव आए भाजपा ने कहीं ना कहीं सोचा कि कोई ना कोई तोड़ निकाला जाए। तो भाजपा ने ये जो नफरती खिलाड़ी है इन पर दाव लगाने से अच्छा समझा कि भाई पहले जो इस्तेमाल कर चुकी नफरती मशीन है टी राजा को एक काम करते उतार देते हैं। भाजपा ने टी राजा को पार्टी में बुलाया और चुपचाप विधानसभा सीट घोषा महल से उनको टिकट दे दिया। यानी कि भाजपा के लिए एक ही बात है कि देश जले तो जले लेकिन सीट और बहुमत जरूर आना चाहिए। भाजपा सरीके जैसे दल दोस्तों और उसके नेता ऐसी राजनीति करने के लिए कुख्यात है जिन्हें अपने ही धर्म के लोग अपने दिखते हैं, बाकी गैर धर्म के लोग पराए दिखते हैं। लेकिन भाजपा के लोग अपने ही लोगों से भी वादा खिलाफी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। अपने लोगों को भी भाजपा के लोग धर्म का चूर्ण चटाकर रोजगार, महंगाई जैसे असल मुद्दों से कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। जिस घृणित व्यक्ति की भाजपा ने वापसी से अपने दल में वापसी कराई है दोस्तों, उसने अपने आकाओं की बात मान शायद अपना काम करना शुरू कर दिया है। वो पाकिस्तान की महिलाओं के सहारे भारतीय मुसलमानों की बीवी बहनों की आबरू लूटने की बात कह रहा है। कह रहा है कि भाई मुसलमान लड़कियों को पटाओ, क्योंकि ये भी हमारी लड़कियों को पटा रहे हैं तो तुम भी इनकी लड़कियों को पटाओ। आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखिए। हरामी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान सारे मुल्ले, मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली फिजिकली हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है। तो वीडियो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी की असली सोच बखान कर रहे हैं। उनके प्रत्याशी कैसे हैं? ये टी राजा जब निलंबित इनको किया गया था, ये तब कहता था कि भाई मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन पार्टी से निलंबित रहते हुए भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए पीछे वाले दरवाजे से प्रचार प्रसार ये करता रहा है। ये नफरती राजा हरियाणा भी पहुंचा था दोस्तों, बजरंग दल की एक सभा में हिंसा और नफरत का बीज बोने के लिए। टी राजा अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताता है, हिंदू धर्म का सेवक बताता है, लेकिन ये कथित सनातन के रक्षक उस सांप की तरह है जो सनातन की ही कोख में पलकर सनातन को ही बदनाम करके उसे डसने का काम कर रहे हैं। सनातन में देखिए हमेशा से ही कहा गया है कि महिलाएं सम्मान, शक्ति और त्याग का प्रतीक है, लेकिन ऐसे सोच वाले धर्म से आने वाले व्यक्ति पराई स्त्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा सुनकर ऐसा लगता है कि भाई ऐसा राजा वैचारिक रूप से कितना बड़ा फकीर होगा, इसको आप राजा कहेंगे? टी राजा सिंह, इसके समर्थक तो इसको राजा ही बुलाते हैं, राजा, राजा साहब। राजा युवाओं को उकसा रहा है कि भाई तुमको मैं मदद करूंगा हर तरह से। टी राजा सरीके जैसे लोगों की बात सुनकर दोस्तों लगता है कि
खुद की प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं चले दूसरों को उधार देने। टी राजा को भाजपा ने टिकट दे दी है, जिसके बाद से राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर उफान पर है। टी राजा ने चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं तक को धमकी दे डाली है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखिए, क्या धमकी दी है बताएंगे आपको, वीडियो देखिए। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूँ। सोच समझ कर कोई भी भाई गद्दारी करना, क्योंकि मेरे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो देखा आपने कि किस तरह से टी राजा एक गली छाप गुंडे की तरह वोट मांग रहा है, कैसे ये लोकतंत्र को अपमानित कर रहा है। कह रहा है कि भाई ये चुनाव मेरे लिए जिंदगी और मौत का मामला है और मैं मरने या कत्ल करने से नहीं डरता। इससे पहले दोस्तों कि कोई भी गद्दारी करे दो बार सोचो, ये बोल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा इन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए क्या बोलते हैं जरा वो भी सुन लीजिए। कहते हैं कि अगर चुनाव के बाद तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में आती है तो ये ओवैसी किसके पैरों में गिरेंगे। इस पर वहां मौजूद लोग चिल्लाते हैं, राजा भाई के। भाजपा देखिए दोस्तों, भले ही गांधी के चरणों में झुकती है, लेकिन जब वो ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका देती है ना, तो ऐसा लगता है कि गांधी तो छलावा है, इन्हें गोडसे का जमाना लाना है। आप खुद सोचिए कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसे आग लगाने वाले नेता बढ़ने लगे तो भारतीय लोकतंत्र में फिर EVM ही बचेगी, मतदाता तो बचेंगे नहीं। अब ये चुनाव में तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में अगर बन गई तो ये ओवैसी किसके पैर पकड़ेंगे। ये चूहों को हम पैर पकड़ने नहीं देंगे, इन गद्दारों को तो हम देश के बाहर निकालेंगे। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी का सपोर्ट करता है, ऐसे आतंकवादियों से हम दोस्ती नहीं, इन आतंकवादियों को तो भातर हूरों के पास हम पहुंचाते हैं। टी राजा जैसे जो नेता होते हैं वो देश के लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि नफरत फैलाने वाला नेता अब किस काम का, वो हमेशा से ही देश की नींव को कमजोर करते हैं। टी राजा जैसे नेता एक खास धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत का जहर फैलाते हैं और फिर इसके आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ऐसे जहरीले नेताओं को कानून का भी कोई डर नहीं दिखता दोस्तों। आगे बताऊंगी इस पर भी संक्षेप में, क्योंकि इन्हें पता है कि धर्म के नाम पर देश की राजधानी में बैठे आका संरक्षण तो दे ही देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, राजा को यह पता है कि भाई उनकी सबसे बड़ी ताकत वो लाखों हिंदू युवा है जो उनके एक इशारे पर इनके साथ होने लग जाते हैं। वो हिंदू किसी एक दल का नहीं है, सभी दलों का कार्यकर्ता। तो टी राजा को शांत करने के लिए उन पर तो लाठीचार्ज चलाई नहीं जा सकती, इसलिए टी राजा को किसी का डर नहीं लगता। और भाजपा की इतनी मेहनत के बाद भी दोस्तों आज तक भाजपा वहां अपने से ज्यादा विधायक जो है एक से आप कह सकते हैं दो से ज्यादा विधायक नहीं जिता पाई है, जिसमें से एक खुद टी राजा है। पार्टी की मजबूरी और सरकार की लाचारी और कहीं ना कहीं देखिए कानून की बेबसी का फायदा उठाकर टी राजा अपने नफरत की जो दुकान है उसको चला रहा है। बात की जाए टी राजा की दोस्तों, तो टी राजा सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से भी सुर्खियों में रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसे नफरती भाषण दिए, इन्होंने ऐसी हेट स्पीच दे रखी है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इनको बार बार चेताता आया है, बावजूद इसके इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। जाहिर है देखिए भाजपा को ये मालूम तो होगा ही कि ये नेता जी जो है ये किस तरीके से नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी भाजपा को उससे फर्क नहीं पड़ा और इनको निलंबित किया गया था। बताया गया 9 साल के टेन्योर के लिए इनको निलंबित किया गया था। अब सोचिए कि 1 साल 1.5 साल भी नहीं बीता और इनको फिर से बहाल कर दिया गया, ना सिर्फ बहाल किया गया बल्कि हाथ में इनके टिकट भी थमा दिया गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये गोशा महल से जीत जाते हैं दोस्तों, तो क्या गोशा महल का विकास ये कर पाएंगे या गोशा महल में सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसी जाएगी? वहां के जो बच्चे हैं, वहां की जो जनता है, जब ये जाएंगे उनके बीच में तो क्या सीखेंगे? यही कि जैसे ये बोलते हैं कि भाई मुसलमानों की लड़कियों को पटाओ या फिर मुसलमानों को मारो काटो, क्या यही नहीं सीखेंगे वो लोग? क्योंकि उनका तो विधायक ही ऐसा है।
अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।